एपीएससी नाम सुनने मात्र से छात्र के मन में एक भय रहता था कि यहाँ तो किसी तरह का कोई गड़बड़ी नहीं हो। लेकिन सवाल है, जैसा राजा वैसा प्रजा। अब जब राजा ही को कोई होश हवास नहीं रहता है तो बीपीएससी जैसे संस्थान का देखिए क्या दशा हुआ। ये नियुक्ति पत्र मिल रहा है लेकिन किसी घर में खुशी है किसी में गम है। आदेश निर्गत हो गया, एडमिट कार्ड भी मिल गया, बैठ भी गया और नियुक्ति पत्र भी मिल गया। ये अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सिर खाजा टके सिर भाजा। मंत्री जी को कह नहीं कहते हैं कि सब कुछ पर ध्यान है। राम जी क्या थे ये ध्यान है, सनातन क्या है वो ध्यान है। आ यहाँ जो गड़बड़ी हो रही है, कहाँ चला गया विद्वता। बिहार में जिस तरीके से शिक्षक नियुक्ति हो रही है, लगातार कई सारे सवाल उठाए जा रहे हैं। ऐसे में बीजेपी लगातार शिक्षक नियुक्ति को लेकर सवाल उठा रही है। हमारे साथ बात करने के लिए बिहार विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष हरी सैनी है, जुड़ेंगे बात करेंगे। हरी सैनी जी, बिहार में एक तरफ शिक्षक नियुक्ति हो रही, दूसरी तरफ अभ्यर्थी बीपीएससी कार्यालय पहुंच रहे हैं, बीजेपी कार्यालय पहुंच रहे हैं, अपनी जायज मांगों को लेकर कह रहे हैं गड़बड़ियां हुई है, जाँच होनी चाहिए, लेकिन कल नियुक्ति पत्र बांटने की बात हो रही है 1,22,324 पदों पर। बीपीएससी नाम सुनने मात्र से छात्र के मन में एक भय रहता था कि यहाँ तो किसी तरह का कोई गड़बड़ी नहीं होगी। लेकिन सवाल है, जैसा राजा वैसा प्रजा। अब जब राजा ही को कोई होश हवास नहीं रहता है तो बीपीएससी जैसे संस्थान का देखिए क्या दशा हुआ। आज ये नियुक्ति पत्र मिल रहा है लेकिन किसी घर में खुशी है किसी में गम है, कहे है ऐसा। तो छात्र में आक्रोश है कि कुछ विद्यार्थी जो आवेदन करने के योग्य नहीं था, पात्र नहीं था, वो भी आवेदन कर दिया आ उसको जो है वो उसको बैठने का भी आदेश निर्गत हो गया, एडमिट कार्ड भी मिल गया, बैठ भी गया और नियुक्ति पत्र भी मिल गया। ये अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सिर खाजा टके सिर भाजा। ये अस्पष्ट ये कहावत बिहार में आज चरितार्थ होता दिखाई देता है। कुछ ऐसा भी रिजल्ट हरी सैनी जी जिसमें सीटेट अभ्यर्थी फेल हैं, बीपीएससी से पास हैं, ऐसे में उनकी भी नियुक्ति हो रही है, लगातार ये भी कहा जा रहा है। बीएड वाले अभ्यर्थियों का भी रिजल्ट दिया गया है, उनको भी नियुक्ति पत्र बांटने की बातें हो रही है। मंत्री जी को कह नहीं कहते हैं कि सब कुछ पर ध्यान है। राम जी क्या थे ये ध्यान है, सनातन क्या है वो ध्यान है। आ यहाँ जो गड़बड़ी हो रही है, कहाँ चला गया विद्वता, कहला बदनाम कर रहे हैं बिहार को। पूरे देश में सबसे ज्यादा वैरायटी यहाँ बिहार में है और सबसे बदतर स्थिति शिक्षा का बिहार में है, शिक्षकों का बिहार में है, विद्यालयों का बिहार में है। तो फिर विद्यार्थी का क्या दशा होगा। आप ही बतावे कि मंत्री जी को अभी नहीं सुझाई दे रहा है, कुर्सी के लिए अन्यत्र बात करेंगे, जो उनका दायित्व नहीं है वो देखेंगे, लेकिन ये नहीं देखेंगे। विद्यार्थी डंटा खाए मार खाए और बहाली किसी को होना है आ किसी को, इसलिए तो कहीं कहीं खुशी कहीं गम, ये सबका दोषी सरकार है। हरवाड़ी में गड़बड़ी की जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल, जो बात आप कह रहे हैं यही तो मैंने भी कहा, अंधेर नगरी चौपट राजा। जांच होनी चाहिए, सुधार होना चाहिए, बिल्कुल जांच होनी चाहिए और हमारे छात्रों के साथ न्याय होना चाहिए। जो पात्र है मेरे ही जिले के, मेरे ही पड़ोसी, हर कुछ में कम्पीट है, फिर भी उसको जो है रिजल्ट उसका नहीं हुआ, दर दर का ठोकर खा रहा है बेचारा। सत्र स्टार्ट होने वाला, अभ्यर्थियों की आवाज उठाएंगे सभा में। उठाएंगे कि पूरा पूरा उठाएंगे, पूरा बात उठाएंगे, क्यों नहीं भाई। जो हमारे युवा है और उस पर जो इतना बड़ा जो पढ़ने वाला विद्यार्थी है, जो पात्र था शिक्षक बनने का, वो जब छंट रहा है तो दर्द तो होना चाहिए। अंतिम सवाल रहेगा, आपके केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बिहार आने वाले हैं, इसको लेकर क्या कुछ तैयारी है और क्या कार्यक्रम होने वाला है। देखिए, हमारे गृह मंत्री आदरणीय अमित भाई शाह जी, जो भारत सरकार के
यशस्वी गृह मंत्री हैं वो उनके क्रियाकलापों से, उनके कृतित्व से आज भारतीय जनता पार्टी ही नहीं देश गदगद है। और वो आ रहे हैं मुजफ्फरपुर में, वहाँ एयरपोर्ट के ग्राउंड के बगल में उनका 11 बजे से 5 तारीख को कार्यक्रम होने वाला है। कल मैं भी आया हूँ, मैं यहाँ पटना में था, गया दरभंगा, बैठक करके विधि व्यवस्था बना के सारे हमारे भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि पूरा जोशो खरोश में है, पूरे ऊर्जा के साथ वहाँ से लोग हम लोग वहाँ आएंगे और अपने यशस्वी गृह मंत्री का भाषण सुनेंगे, उद्बोधन सुनेंगे। कैसे राष्ट्र सबल बने, एक नीति है। बोलते रहते हैं कि चुनाव तो एक बहाना है, भारत को श्रेष्ठ बनाना है। इन विचारधाराओं के साथ आज चलने वाला का हुजूम लगा हुआ है, निश्चित रूप से भारत श्रेष्ठ बनेगा भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में। देखिए, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में देश अव्वल बनेगा, अच्छा बनेगा। और ऐसे में अमित शाह बिहार आने वाले हैं, शिक्षक नियुक्ति को लेकर कई सारी गड़बड़ियां है, जिसको लेकर हरीश सहनी जो कि बिहार विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष, उन्होंने यह साफ कह दिया कि आवाज उठाएंगे और नीतीश सरकार से सवाल पूछेंगे कि ये जो बहाली आप कर रहे हैं इसमें किस तर्ज पर बहाली कर रहे हैं, इतनी सारी गड़बड़ियां है, उसको सुधार क्यों नहीं कर रहे है? तो वहीं सुधार की मांग कर रहे थे नेता प्रतिपक्ष हरीश सहनी। और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बन रहे। पटना से सहयोगी अमित के साथ अभिषेक, रिपोर्ट।